बीते दिनों अलीगढ़ में मासूम गुड़िया के साथ की गई बर्बरतापूर्ण घटना के बाद लोगों में दोषियों के प्रति रोष बढ़ता जा रहा है और सभी घटनाओं में न केवल निंदा कर रहे हैं बल्कि दोषियों को कठोर से कठोर सजा दिलाने की मांग भी देश के कोने कोने से उठ रही है। अशोकनगर जिला मुख्यालय पर हल्ला बोल संघर्ष समिति ने राष्ट्रपति के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए कहा कि अलीगढ़ में हुए शर्मनाक घिनौने और दर्दनाक कृत्य से मानवता शर्मसार हुई है, क्योंकि शाहिद असलम जैसे दरिंदों के द्वारा जो दर्दगी इस मासूम के साथ की गई उसे मन को झकझोर कर रख दिया है। इसलिए दोषियों को अतिशीघ्र फांसी की सजा दी जाए जिससे कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और समाज में बेटियां सुरक्षित रह सकें। इस सामाजिक संस्थान के लोगों द्वारा ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय से उक्त मामले में हस्तक्षेप करके मासूम को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की बात भी कही। माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार द्वारा कलेक्टर महोदय अशोकनगर मध्य प्रदेश जिसे अलीगढ़ की मासूम गुड़िया को न्याय दिलाने एवं दोषियों को फांसी की सजा दिलाने हेतु प्रार्थना पत्र। माननीय महोदय ने महोदय निवेदन है कि हाल ही में अलीगढ़ में 3 साल की मासूम बिटिया गुड़िया को 2 दरिंदों शहीद खान असलम खान द्वारा नौनी और बर्बरतापूर्ण मन को झकझोर देने वाली घटना से हम सभी शहरवासियों को बहुत पीड़ा हुई। अतः माननीय महामहिम राष्ट्रपति दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और मेरा ये मानना है कि इस देश में अब कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रही है, इसलिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अपराधी हमेशा अपराध कर रहे हैं। अभी उज्जैन में भी घटना हुई है छोटी सी बच्ची के साथ इसी तरह की, आए दिन घटनाएं घट रही हैं। अगर सख्त सजा दी जाए, फांसी की सजा अगर हो जाए इसमें, तो सारी घटनाएं अपने आप रुक जाएंगी। अशोकनगर से ग्राउंड रिपोर्टर संजय नामदेव की रिपोर्ट।